नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिओम दुबे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परमठ आनंदेश्वर मंदिर के बारे में। दोस्तों, ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पर इस मंदिर का एक रहस्य है, और वो रहस्य क्या है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज इस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस मंदिर का विशेषताएँ क्या हैं। दोस्तों, मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ इस मंदिर की विशेषताएं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं हैं वर्णन करने के लिए इस मंदिर की विशेषताओं की। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। और दोस्तों, मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग कानपुर के नहीं हैं, क्योंकि कानपुर के जो भी हैं वो तो सभी इस मंदिर के बारे में जानते ही हैं, यहाँ का महत्व जानते हैं। जो लोग हमारे व्यूवर्स बाहर से हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है आनंदेश्वर बाबा का मंदिर, ये मंदिर परमठ में, कानपुर के परमठ में स्थित है। गंगा जी के किनारे स्थित है ये मंदिर। ये मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है। बाबा आनंदेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पर छोटे बड़े 50 से अधिक मंदिर हैं, जिनकी उन मंदिरों की भी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर विजिट करें आके, हमारे बाबा का दर्शन करें आके। और इस लास्ट में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा यहाँ मंदिर का रहस्य क्या है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि ये वीडियो कैसा बना हुआ। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दें। गंगा मैया हो, गंगा मैया, पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया। मस्तक चंद्र सुहाए
हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गौरा जिनकी करे आरती, गौरा जिनकी करे आरती, गणपति जिनके जाए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गले में मुंड माला दे राजे, गले में मुंड माला दे राजे, शेष नाग लपटाए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले भाले ओ भंडारी, भोले भाले ओ भंडारी, सबके कष्ट मिटाई, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। यही मंत्र जपने से तेरा, यही मंत्र जपने से तेरा, कार्य सिद्ध हो जाए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोस्तों तो बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। दोस्तों ये जो मंदिर है ये महाभारत काल से है। दोस्तों ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी गाय थी, आनंदी नाम की गाय थी, जो प्रतिदिन एक टीला था उस पर जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और वहाँ पर वो अपना दूध, मतलब वहाँ पे जितना भी होता था वो गिरा देती थी। तो ऋषियों ने जब उसका पता लगाया कि ये गाय कहाँ जाती है और इसका ये दूध कहाँ जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर खोद के देखा कि जब उन्होंने खोद के देखा तो वहाँ पर एक शिवलिंग मिला। जब शिवलिंग मिला तो फिर वहाँ पे लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो राजा थे तो उनके द्वारा फिर वहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर पर रुद्राभिषेक करवाया गया। फिर उस रुद्राभिषेक करने के बाद फिर वो गाय, मतलब और वहाँ पर फिर नहीं आई और उसमें जो प्रक्रिया पहले थी वो उसने करना बंद कर दिया। तब से ये मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है दोस्तों जो भी भक्त इस मंदिर में 40 दिन लगातार आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं
अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ इस मंदिर की महत्वों के बारे में, इसकी जो खूबियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी की मनोकामनाएँ, जो इच्छाएं होती हैं वो सभी पूर्ण होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें, इस मंदिर में बहुत ही सिद्ध पीठ है। आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, बोली आनंदेश्वर बाबा महाराज जी की जय।